Assalamu alaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 7, subject English 1, topic expert detectives. Okay, so we have completed first part of our chapter. Okay, now we'll start our second part. Okay, now I wrote in large block letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Okay, so हमने देखा last time कि माया जो थी वो अपने टेबल पर बैठी हुई थी और पेन और पेपर मतलब एक शीट निकाल कर बैठी थी. तो अब उसने ब्लॉक लेटर्स में मीन्स बोल्ड राइटिंग में क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक टाइटल लिखा. ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित. और क्या लिखा कि वो डिटेक्टिव्स कौन है उसको पकड़ने के लिए, कैचिंग अ क्रूक मतलब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. ओके, सो उन्हें किन्होंने चुना है, अपॉइंटमेंट किसने दिया है उनको, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ने. ओके, नाउ नेक्स्ट वो क्या करती है देखते हैं हम. देन आई बिगेन राइटिंग. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटर्न आई आस्क्ड. और उसने माया ने लिखना स्टार्ट किया. देन अबाउट हाफ एन आवर लेटर, अब आधा घंटा हो गया लिखते लिखते, आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी मीन्स उस अपना फेस, उसने देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है अपना फेस जो है निषाद की तरफ मीन्स सेवन की तरफ किया. ओके, और वो कैसे सोया था, अपने पेट के बल सोया हुआ था, चिन कप्ड इन हिज पाम्स. ओके, और अपने जो भी चिन के ऊपर जो है अपने पाम्स रखी हुई थी मतलब हैंड रखे हुए थे, रीडिंग कॉमिक्स, और क्या पढ़ रहा था, कॉमिक्स पढ़ रहा था. वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटर्न, और उसने क्वेश्चन किया किसको, निषाद को, कि तुम कुछ सुनना चाहते हो. ओके, नाउ विल सी वट हैपन्स नेक्स्ट. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? Seven nodded. तो उसने, सेवन ने जो पहले क्वेश्चनिंगली देखा मीन्स उसके दिमाग में था कि अब माया क्या बोलने वाली है, लाइक दैट. ओके, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम आई सेड वांट टू हियर. तो उसने क्या बोला माया ने कि मैंने एक लिस्ट बनाई है फैक्ट्स की जो हमने मिस्टर नाथ के बारे में जो है पता किया है, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम मीन्स उसे पकड़ने के लिए हमको ये लिस्ट काम आएगी. वॉन्ट टू हियर, क्या तुम्हें सुनना है. सेवन नोडेड, नोड किया मतलब अपनी गर्दन से, अपनी गर्दन हिलाकर उसने हाँ कहा. फैक्ट नंबर वन, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड. प्रोबेबली नॉट, आई सेड. मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलाइज, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. तो फैक्ट नंबर वन मतलब जो भी सच्चाई उन्होंने पता की थी, तो उसने पहले बोला, पहला नंबर ये आता है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, We must discover his first name. उसका नाम मिस्टर नाथ है लेकिन हमको उसका फर्स्ट नेम जो है डिस्कवर करना है. जैसे बहुत सारे लोगों का फर्स्ट नेम अलग होता है, फर्स्ट नेम मीन्स कोई है, फॉर एग्जाम्पल दानिश शेख, तो मिस्टर शेख बोलेंगे तो उनको जो दानिश जो ओरिजिनल नेम है वो पता नहीं है. इस तरह से मिस्टर नाथ जो है उसकी सरनेम है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमको उनका फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड. तो निषाद ने उसे माया से क्वेश्चन किया कि क्या उसका सच में ये मिस्टर नाथ नाम है. प्रोबेबली नॉट, आई सेड. और माया ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता. मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलायंस, ओके, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने नकली नाम रखते हैं, अल्टरनेट नाम रखते हैं. फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. फैक्ट नंबर टू मतलब उसने दूसरा नंबर बताया, क्या लिखा था उसने, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस मीन्स वो शंकर हाउस नाम की बिल्डिंग में रहता था और उसमें रहने वाले लोग थे, से ही इज मैड स्ट्रेंज, वो एक पागल है, स्ट्रेंज है एंड अनफ्रेंडली. अनफ्रेंडली है मीन्स वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है. नाउ नंबर थ्री, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस.
But he did talk to us, Maya, and Mama says he's very polite, Nishad interrupted. और माया ने तीसरी बात क्या लिखी थी? He doesn't talk to anyone and is mannerless. वो किसी से बात नहीं करता और उसके मैनर भी नहीं है, वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता. But निशाद ने उसको इंटरप्ट कर दिया और क्या बोला? But he did talk to us. उसने कहा कि उसने हमसे बात की है, उन्होंने हमसे, माया. And Mama says he's very polite. और उसकी मॉम क्या कहती है कि वो बहुत पोलाइट है, बहुत ही जेंटल है. He only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. और उसने क्या कहा, माया ने क्या कहा वहाँ पे, कि उसने सिर्फ हमसे बात की क्योंकि उसे हमसे बात करनी पड़ी. And he was polite. वो क्यों polite है? क्योंकि वो हमारी मॉम के पास ट्रीटमेंट करवाता है. Okay? Now next, fact number 4, he doesn't receive any letters. 7 nodded. नंबर 4, उसने क्या कहा कि उसे किसी का मेल या लेटर्स भी नहीं आते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर हमारे हमसे कॉल आते हैं हमारे फ्रेंड्स के या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. सो उसे किसी के लेटर्स भी नहीं आते, और 7 ने उस बात में हाँ कही. नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड. और वो कहाँ पे, नंबर 5 में क्या कहा उसने कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रहता है कितने टाइम से, फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से भी ज्यादा से. नंबर 6, He doesn't work and sits in his room all day. Number 6, उसने क्या कहा कि वो काम भी नहीं करता and sits in his room all day, मतलब वो अपने रूम में ही बैठा रहते हैं. Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. Okay? और number 7 उसने कहा कि kids means Shankar house में जो रहने वाले बच्चे हैं and even some of the grown-ups are scared of him. मतलब बड़े लोग भी और बच्चे भी कुछ लोग जो है उनसे क्या है, डरते हैं. Number 8, he has no visitors except for a spectacle fair fat man who visits him on Sundays for lunch. और नंबर 8 उसने कहा कि उनके पास कोई विजिटर मेहमान भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के, तो वो फेयर है, फैट मैन है. ओके? और हर संडे वो उनके यहाँ पे लंच करता है, दोनों साथ में मिलकर लंच करते हैं. नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो उसने क्या कहा, नंबर 9, कि जो रमेश है वो उनके यहाँ पे खाना लेके जाता है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या खाता है, हर रोज एक ही जात की, एक ही तरीके की जो है रेसिपी या एक ही तरीके का खाना खाता रहता है. दैट एंड्स माय लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7. और इस तरह से माया ने अपनी लिस्ट को एंड किया. 9 points, 9 facts उसने वहाँ पे बताया और उससे 7 से पूछा कि क्या मैं कुछ भूल रही हूँ. निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स. ओके? तो निशाद ने माया की लिस्ट पे क्या है, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं दिया. और उसने क्या कहा, पुअर मैन माया, He must be so lonely if he doesn't have any friends. मतलब वो अकेला है, क्यों? क्योंकि उसके कोई भी friends नहीं है. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. और माया ने चिल्ला कर उससे कहा कि किसी criminal के means crook के कहाँ से friends हो सकते हैं? At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said Nishad. तो उसने क्या कहा कि at least उसका एक friend तो है जो उससे Sunday के दिन मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. तो इस तरह से वो सुन के माया के दिमाग में एक बात आई और उसने क्या कहा कि Mr. Nath's accomplice in crime, मतलब वो जो आदमी है वो Mr. Nath को help करता है किसमें, क्राइम करने में. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it, I'm sure I'm right. तो उसने क्या कहा, उसने क्या अंदाजा लगाया वहां पे, Maybe he keeps all the loot and he comes now and then. मतलब वो बार बार यहाँ पे आता है, पार्ट ऑफ इट नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. मतलब वो बार बार यहाँ पे आता है और जो भी लूट का माल वही रखता है और लूट का माल आकर यो बार बार हर संडेज को मिस्टर नाथ को देता है. ओके? नाउ
मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, किस लिए देता है? क्योंकि उसके खर्चे के लिए, एक्सपेंस के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। माया ने कहकर क्या कहा कि मुझे पता है यही बात हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सेड निषाद एंग्रीली। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस ट्रिप्स। ओके, सो निषाद यहाँ पे थोड़ा चिड़ गया और उसने क्या कहा, इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, अगर तुम उसे क्रिमिनल ही बोलती जाओगी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। और उसने क्या कहा, मुझे इस बात पर तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करनी। सेड निषाद एंग्रीली, और उसने ये बात गुस्से में कही। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. Okay? वो बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को जो है, वेटर को जो है, अच्छे से टिप्स दे रहा हो। ओके, रमेश probably knows something अबाउट his past, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। तो माया ने क्या कहा कि रमेश जो है वो कुछ ना कुछ उसके पास्ट की, उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में जानता होगा, इसलिए वो उसे ब्राइब कर रहा है, रिश्वत दे रहा है अच्छे पैसे देकर। निषाद ग्लेड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। निषाद ने उसे गुस्से में देखा और माया को क्या लग रहा था कि अब वो उससे थक चुकी है। हाउ कैन वी make any progress with our investigations if you take that attitude? 7 I asked. और माया ने निषाद से कहा कि हम अपनी investigation आगे कैसे बढ़ाएंगे अगर तुम ऐसे ही करोगे। I'll cooperate if only if you give up this idea about him being an escape group, said 7. You really make me angry. और निषाद ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ cooperate करूंगा, means तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम ये बात छोड़ दो that him being an escape group, वो कहीं पे जेल का कैदी है या भागा हुआ क्रिमिनल है। यू रियली मेक मी एंग्री, और इस तरह से वो उसे गुस्सा दिला रहा था। ओके, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज द point of all these inquiries if he is not a crook, if you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him, please tell me. तो दोनों में थोड़ी बहस हो गई और उसने क्या कहा माया ने कि ये सब की चीजों की जरूरत ही क्या है, अगर वो क्रूक नहीं है या क्रिमिनल नहीं है तो ये सब करने की हमको जरूरत ही क्यों है, इससे अच्छा था हम इस बात को छोड़ दे। निषाद लुक थॉटफुल, आई'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely, I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. निषाद ने उससे क्या कहा, मुझे कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कहा कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, और उससे क्या जानना है कि वो, उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। Try to understand 7. I told him if he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Okay? और माया ने उसे समझाते हुए कहा कि समझो बात को, अगर वो शंकर हाउस में एक साल से रह रहा है और एक भी फ्रेंड नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ गलत बात है। He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. और उसे डर है कि अगर वो दोस्ती करेगा तो उसे कोई ना कोई पहचान लेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। ओके, नाउ Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. और निषाद ने अपनी बात वहां पे रखी कि कोई भी उससे अगर दोस्ती करना नहीं चाहता होगा इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. तो माया ने कहा कि क्यों उससे कोई दोस्ती करे कि वो कितना बुरा आदमी है। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend, okay? और निषाद ने कहा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे पसंद करूंगा and I am going to try and be his friend, okay? वो उसे पसंद करता है और उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगा। Friends with a crook? हाँ, you are crazy. 7, I said, the cops will take you to the jail with him. Do you want that to happen, you idiot? ओके, और माया ने कहा कि तुम एक क्रिमिनल के साथ दोस्ती करोगे, तुम्हें भी कॉप जो है, मींस जो पुलिस जो है, वो तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल देगी। ओके, क्या तुम यही चाहते हो? निषाद मियरली ग्लेड एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम। माई थियरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो निषाद ने उसे थोड़ी देर देखा और वहां से वो रूम से चला गया। इस तरह से माया की थियरीज जो भी थी वो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं छोड़ रही थी। ओके, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे
हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़ बच्चों।